चलो तो क्या कहेंगे, नशा मुक्त अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। और दूसरी जो डिमांड है खड़का साहब की, वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं इस ऐतिहासिक मैदान को, तो आपकी क्या शुभकामनाएं रहेगी आगे के लिए, क्या आपका योगदान रहेगा इसमें? मैं सांसद इम्तियाज़ भाई जलील का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं, क्योंकि जैसे जैसे शहर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों के लिए खेल के मैदान ये कम होते जा रहे हैं, और ऐसे इसमें इन्होंने ये बहुत शानदार आयोजन इस पूरे स्पोर्ट्स फेस्टिवल का किया, और उसके बाद वो यहाँ स्टेडियम बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वो युवा किसी भी वर्ग का हो, वो युवा कोई भी विचारधारा मानने वाला हो, उसकी जो उसका जो जोश होता है, जो युवा का जोश होता है, वो अगर मैदान पर उतर आए तो मुझे लगता है कि ये युवाओं को एक सही राह दिखाने का जो प्रयास सांसद जी कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। और इस काम में सहयोगी सांसद होने के नाते मेरा जो भी उन्हें योगदान होगा मैं डेफिनेटली उन्हें हेल्प करने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इम्तियाज़ भाई की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, और इम्तियाज़ भाई अगर उन्होंने ये ठान लिए तो ये बात जरूर वो करेंगे। ड्रग्स के साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र को भी ड्रग फ्री करना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आज हम अगर ड्रग्स का जो एक संकट है ये बहुत गहरा संकट पूरे महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के युवाओं पे, हमें युवाओं के सर पे मंडराता हुआ दिख रहा है। और मैं अभी जैसे मैंने स्पीच में कहा कि हाँ कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जवानी में नशा तो करनी चाहिए, लेकिन मेरे सभी युवा भाइयों को यही बताना चाहूँगा, अगर नशा ही करनी है तो शहीद भगत सिंह जी जैसी नशा करो, जो देश प्रेम की नशा हो, जो मातृभूमि की सेवा की नशा हो, जो मानवता की सेवा की नशा हो, अगर ये नशे की लत आपको लग गई जो देश प्रेम को लेके होती है, जो मातृभूमि की सेवा को लेके होती है, तो मुझे लगता है किसी भी जो कृत्रिम सहारे होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और देश का युवा एक बलशाली भारत के लिए, एक बलशाली देश के लिए वर्ग सामने आएगा। शुक्रिया। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।